हेलो नमस्कार सत श्री अकाल, आपका स्वागत है मेरे चैनल में और आप देख रहे हैं यंग फॉरएवर। आज मैं बनाने वाली हूँ ब्रेड पिज्ज़ा। तो ब्रेड पिज्ज़ा के लिए मैंने लिया है, यहाँ पर गेहूँ आटे का ब्रेड है, ये मैदे का ब्रेड नहीं है। और हमें चाहिए बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च, बारीक कटा हुआ पनीर, और यहाँ पर मैंने लिया है 3 चम्मच टमाटो सॉस और 1 चम्मच सेजवान चटनी। सेजवान चटनी आपकी मर्जी है, अगर आप तीखा खाते तो डालो और अगर तीखा नहीं खाते हो तो आप ना डालें। और यहाँ पर मैंने तवा को पहले ही हाई फ्लेम में गर्म करने के लिए रख दिया है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ब्रेड में लगाएंगे अपना ये सॉस। अब सबसे पहले डालेंगे हम इसमें कटी हुई प्याज। अब हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्च। अब हम डालेंगे इसमें पनीर। अब हम डालेंगे इसमें 1 चुटकी नमक। यहाँ पर मेरे पास एक चीज जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है, मैं आपको बताना भूल गई थी, तब इसके ऊपर डालते हैं ये चीज। इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। अगर आपको तीखा पसंद है तो ही डालें, अगर आप तीखा नहीं खाते हैं तो आप इसमें चिली फ्लेक्स ना डालें। यहाँ पर हमारा तवा अच्छे से गर्म हो चुका है और उसका फ्लेम हम कम कर दिए। अब इसमें डालेंगे, ये पिज्ज़ा हेल्दी बना रहे हैं तो इसलिए हम इसको घी में सेकेंगे। और इसको मैं तवे में ही बनाऊँगी, मेरे पास माइक्रोवेव है लेकिन तवा में भी ये बहुत अच्छा बनता है। फ्लेम स्लो कर दें, इसको एक एक करके ध्यान से, आपका हाथ न जले। अब इसको हम ऊपर से ढक देंगे 5 से 7 मिनट के लिए। तो आप देख सकते हैं हमारा चीज़ मेल्ट हो गया है और हमारा ब्रेड पिज्ज़ा बनके रेडी हो गया है। अब हम इसे निकालते हैं। हमारा ब्रेड पिज्जा बन के रेडी हो गया है। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय।